एक मध्य प्रच्छ है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिविम अर्थात ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें त्रिविम अर्थात तीन विमाओं से क्या किया गया है, प्रोजेक्शन को बनाया गया है। ये हमारा एक प्रकाश आधारित क्या है, प्रक्षेप है। और इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्षेप में जब हम बनाते हैं तो कल्पना ये की जाती है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, तो एक ध्रुव पर तो हमने क्या कर दिया, हमारी समतल सतह लगा दी, और दूसरे ध्रुव से जो हमारा दूसरा ध्रुव है, उस दूसरे ध्रुव से हमने क्या किया, उस समतल सतह पर प्रकाश डाला जाता है, और जो अक्षांश और देशांतर उभर करके आती हैं, वो अक्षांश और देशांतरों को हम समतल सतह पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो तीन विमाएं हैं, एक दो और तीन, तो तीन विमाओं के कारण ये ध्रुवीय क्षेत्र का बनाया जा रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र पे रखकर, इसलिए इसे त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिए गए जो हमारा आरएफ है अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न, वो प्रदर्शक भिन्न के आधार पर हम क्या करेंगे, घटाए गए व्यास को ज्ञात करेंगे। हमारा सवाल है कि प्रदर्शक भिन्न आर है एक अनुपात 200 और अंतराल कितना है, अंतराल है 15। हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतराल कितना रखना है, 15 डिग्री, और हमारा आरएफ का अर्थ है प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। प्रदर्शक भिन्न कितना है, 1:200000। इस आधार पर हमें क्या बनाना है, प्रक्षेप का निर्माण करना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो स्टेप ये है कि दिए गए जो हमारा अर्धव्यास है उसको ज्ञात करना है, किसके अनुसार, मापक के अनुसार, तो पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास। अर्थात जो वास्तविक पृथ्वी का अर्धव्यास है, उसके जो अर्धव्यास है, उस अर्धव्यास को हम आरएफ के अनुसार कितना छोटा बड़ा करेंगे उसकी हमें गणना करनी है। तो पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास, इसमें आपको क्या आएगा, वास्तविक अर्धव्यास बटे हमारा आरएफ। तो वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 640000 बटे हमने क्या रख दिया, हमारा आरएफ रख दिया वास्तविक, तो आरएफ कितना हो गया, 200000। इससे तीन से तीन कट गए, तीन से तीन कट गए, एक से एक कट गए, तो आरएफ कितना आ गया, 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रक्षेप का क्या है, ये हमारे प्रक्षेप का अर्धव्यास है, जो हमें अर्धव्यास खींचना है। कल्पना हमने बताई थी कि किस प्रकार की करनी है, अब उस कल्पना के अनुसार हम क्या कर देते हैं, एक अर्धव्यास खींच लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक समतल सीधी रेखा खींचनी है, ए और बै, कौन सी रेखा, ए बै, इस रेखा पर एक मध्य बिंदु ले लेना है, ठीक है, मध्य बिंदु जो भी है आपका पहले लिया मान लो। अब इस मध्य बिंदु से आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है यहां इस मध्य बिंदु पर, और अपने वृत्त प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर की क्या खींचनी है, एक चाप भर करके, और अर्धव्यास खींचना है।
3.2 सेंटीमीटर का, क्योंकि पृथ्वी का घटाया गया अर्धव्यास कितना है मापक के अनुसार हमारा 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का हमने क्या खींच लिया अर्धव्यास, 3.2 सेंटीमीटर का चाप भर करके और एक अर्धव्यास खींच देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये 3.2 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, अर्धव्यास आ गया। अब इस अर्धव्यास में आपको 15-15 अंतराल कितना डिग्री का है हमारा, 15 डिग्री का। तो 15-15 डिग्री के आपके जो चांदा है उसकी सहायता से कोण बनाने हैं आपको, 15 डिग्री का कोण, फिर 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, फिर 60 डिग्री का कोण और फिर 75 डिग्री का कोण। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस हमारे बिंदु पर जिसे हम फैक के नाम से भी कह सकते हैं, तो इस बिंदु पर क्या कर सकते हैं हम, एक सीधा समकोण रेखा खींचेंगे, क्योंकि तीसरी विमा पे से हमें प्रकाश डालना है दूसरे ध्रुव पे से। तीसरी विमा का अर्थ है दूसरे ध्रुव, दूसरा जो ध्रुव है हमारा ये दूसरे ध्रुव पे से यहां से आपको प्रकाश डालना है किनको, इस व्रत की जहां पर जो व्रत है हमारा अर्धव्यास उसको, जहां पर हमारा कोण काट रहा है उस कोण को काटते हुए आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे तो प्रकाश डालोगे। तो सीधा हम अगर इसको डालें तो इस प्रकार हमारा ये हमने प्रकाश डाल लिया दूसरे ध्रुव पे से। अब जो दूरी हमारे पास इस पटल पर आई है, इस पटल पर फे और मैं पे जो आई दूरी है उस दूरी को हम प्रकार में भर करके और सकेंद्रीय व्रत खींचेंगे। सकेंद्रीय का अर्थ है कि केंद्र, एक ही केंद्र से अलग अलग व्रत खींचे जाएंगे। तो एक ही केंद्र से सबसे पहले हमने ये बिंदु से और यहां पर जो हमने जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, सबसे पहले फे और ई को पकड़ करके और हमने क्या कर दिया, एक व्रत खींच दिया। ये हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का। 0 डिग्री का भी हम क्या कर सकते हैं इसमें बना सकते हैं, भूमध्य रेखा को भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले हमने बाहरी भाग को एफ और ए, इसको पे को खेंच पकड़ करके खेंच लिया, फिर इसको और इसको हमने प्रकार में भर के और दूसरा हमारा वृत्त खेंच लिया। फिर इसी प्रकार तीसरा यहां से यहां का, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। इस प्रकार सारे हमने क्या कह दिए, व्रत सकेंद्रीय कह दिए। अब इसके बाद फुटे की सहायता से सीधी हमने एक रेखा खींच दी। इसके बाद यहां पर इस बिंदु पे जहां से हमने सकेंद्रीय व्रत खींचे हैं उस बिंदु से आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। और फिर वही 15-15 डिग्री के कोण यहां पर आपको लगाने हैं, 15, 30, 45, 60, 75, फिर इधर फिर ये 15, 30, 45, 60 और 75, ठीक है ना।
इस इन सबको केंद्र से मिलाते हुए हम क्या कर देंगे, प्रति ध्रुव तक खींच देंगे। ये हमारा 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, 60 और 75। ये अगर हम उत्तर दिशा का बना रहे हैं तो यहाँ पर N लिख देंगे, और अगर दक्षिण दिशा का बना रहे हैं तो S लिख देंगे, जो हमें उत्तर व दक्षिण दो ध्रुवों का प्रदर्शित करेगा। इस प्रक्षेप में यहाँ से 15 डिग्री, 30, 60, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 180 डिग्री, ऐसे ही 165, 50, 35, 20, 60, 45, 50। ये इस प्रकार हमने, ये पूर्व हो जाएगा, ये ईस्ट है या पूर्व, और ये वेस्ट है। इस प्रकार एक ध्रुव को बताने के लिए, एक ध्रुव का प्रदर्शन करने के लिए हम त्रिविम ध्रुवीय समद्विबाह प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं।